elected. नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, रविंदर रैना जी, जितने भी मेरे साथी और जितना इतना पांच
जी पहले आज की जेडी शुरू प्रोग्राम है इसका आगाज एक नहर नाल करसा उम्मीद है कि बड़े जोश जज्बे जवाब आसी ताकि बाहर मेहमान खास कर रहना साहब इन्हें पता लगे कि लोगों कितना जोश है पहाड़ी एकता पहाड़ी एकता पहाड़ी इतिहाद पहाड़ी कबीला अस के जाने नहीं आता है जिनको खेलना मौजे हवादत से सफीने डूब जाते हैं वही आगोश साहिल और फिर चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादत से चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादत से अगर आसानियां हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब रैना साहब उन्होंने नाल आए ने बाकी मुअज्जज जी हजरात एक एक नाम गिना टाइम जाया आज ना ये भारी भरकम इजलास मेरे ख्याल में ये शहादत रहना है कि उन्होंने डिमांड के है और के जाना है। मुख्तसरन दो गल मैं कर गए थे कि इजाजत लेना रहना साहब आज तुसा ही फेसबुक पर और टीवी पर हर रोज देखने तो तुसा को जी अपनी जिंदगी ने हालात दसे कि मैं किस तरह सियासत शुरू की थी उस दर्दमंदा ना हाल तुसा बयान किया मैं समझना कि वही इंसान जरा दर्दमंद रखी जो दर्दमंद है वही इंसान कहलाना मुस्तक है और हल्के जरा खिदमत करना है कोई अल्लाह की भी पसंद है उस खुदा भी पसंद है जिसने अल्लाह किया। फिर तुम्हारी जबान को हमेशा मैं सुनना आया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ग्रामी जड़ा है बार बार लेने और उन्हें कोट करने हो मैं ये बेगैरत नहीं गैरतमंद कौम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जी गल आखनी है उस पर अमल भी करनी है और ये जी कौम है जिस लीडर की ये कहनी है कि तेरे नाल अस फिर जिंदे जिंदे तो उसकी छोड़ने नहीं है लोग मैं ज्यादा तमीज पता रैना साहब इसको वाकफ हन दविंदर राणा साहब इसको वाकफ हन कोई असारी किसे दूसरी कौम ना बंदा है राणा साहब के विभोध गुप्ता भी मानता है शेड्यूल ट्राइब मैं उसकी ये आखा कि अगर ट्राइब लाना जुर्म है तो तू पहले अपनी ट्राइब की तक भाई है जी तुमने आया आप अपनी नानी और दादी बताओ मैं किसी की मुखालफत नहीं करता इस देश से लेकिन इस वक्त ये जितने लोग बैठे क्या दोस्तों सारी नानी तो दादी पाड़िया नहीं है क्या क्या बकरी बकरी है तो अगर वो किसी ही शक है तो आज वो काम पूरा भी करी उड़ता अल्लाह से फसलों करो आज ना किसी ने फोर का ना डर आज यानी जीने साहब नहीं कमाने हैं तो पूरा साल खाने के करे दोस्तों के नहीं लिहाजा लम्बिया कहानियां करा लम्बे किस्से करा आए असल सड़े को सुनी है आए सुनी है बाल मलिक साहब को जिन्हें का जो धार शोर आया मैं मुबारकबाद देना पूरी सुन कोट की आवाज में जरूर नहीं कि उसका बहुत बड़ा शोर आया अल्लाह के फजल और करम ने रहना साहब ये लोग महल बन गए वो कमैल बन गए उस वेले राजपूतों ने मुड़े का कारकुन तो दादी अभी भर्ती हो जाते थे उन्हें कोई पूछता नहीं थी की है वो अनपढ़ सी वो पूछते पूछते कनैल बन गए जो कनैल बन गए तो दस्तखत वो लिखते थे हुक्म और दस्तखत करना बसाखा से जिम्मेवार मुंशी क्योंकि उन्होंने पता नहीं ऊपर लिखे था की है मेरा भी वो हाल है जिदा जिदा ना ना पढ़िया गया लिखने वाले का कसूर है मेरे दिल की हड्डी पड़ी जा रहा तारीख दे इस दौरान जम्मू कश्मीर खड़ा और 5 अगस्त के बाद
जिस वे 370 मिटिया यकीनन मेनू भी यकीन नहीं सी और मेनू नहीं लगा किसी को सारे यकीन थी कि कदम 370 मिट सकता है लेकिन 370 के मिटन के बाद एक उम्मीद जागी कि हर शख्स जो जम्मू कश्मीर के रहने वाला है उन्हें बराबरी का हक मिलेगा उन्हें बराबरी का दर्जा मिलेगा और एक ते दूजे की इजाजेदारी नहीं होगी एक दी दूजे ते सुपरदारी नहीं होगी ये उम्मीद जागी और उस उम्मीद के चलते चलते असी एक आवाज कटी असी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुस्तकबिल है उसकी आवाज जम्मू संभाग तो भी निकलनी चाहिए जम्मू सूबे तो भी निकलनी चाहिए क्योंकि जम्मू सूबा जम्मू कश्मीर का वाहिद गुलदस्ता है जिसे हिंदू भी है सिख भी है मुसलमान भी है ईसाई भी है हर वर्ग के लोग जान साहब वो भी रोला पानी से एक बार लंबे में है वे रोला पाने हो लेकिन तो साड़ी सुनने वाला नहीं तो साड़ी बड़ा गला फाड़ी फाड़ी था बड़ा ज्यादा मैं कह तो साड़ी गल नहीं सुनने तो साड़ी गल अस इस संसार में क्या दे रखो सारे मिली कहते हैं अस कसम तो जेड़ी गल था साड़े साहब ने आखी है अमीत साहब ने मैं इन्हें गल तो सहमत ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਾਸ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਆ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਕੀ ਆਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥਾ ਇਤਨਾ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਾਇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋ ਇਹ ਇਹ एक किस्म नहीं उन्होंने तोहीन आखसा तोहीन अपने वर्कर नहीं एक कदा नहीं करनी पार्टियां नहीं पहचान वर्कर ना लगो ता जिसरा वर्कर ही नहीं ना सुनी जा तो समझो पार्टियां खत्म ता इया कारण से आज जिसरा 10 रोज पहला था एक बड़े माया नाज लीडर चीफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए मैं फोटो तक ना सिया कोई 40 50 नाल था कमरे ने अंदर बड़े से मैं वो बाहर निकलो ये अंदर क्या छाती जोड़े तो बाहर नहीं अच्छा की था तो मैडम और भी आई हैं सिया चाय शाह पी दो भी टूरी गई तो कारण या काम चंगे कितने हो अंदर इधर को अच्छा ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੰਮੂ ਆ ਨਾਲ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਲਗੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਰੋਡ ਜਿਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ सबका विश्वास एक बटन मोदी साहब दबाने दिली थू किसानों ने खाते छे छे हजार अशने इतना सुनकोट ने किसानों ने खाते अशने के नहीं अशने गरीब लोगों की हजार हजार रुपया पेंशन अशनी है कि नहीं अशनी है 5-5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड हेल्थ ने जड़े कार्ड है वो असा जमाना देखा ना ग्रांच कुछ है स्लिप होई के पैर टेई जाना सी बाह भजी जानी तो सेवेनियां फटियां बनी तो रस्सियां रखी असमता दा जाओ डॉक्टर इलाज दा फ्री करना लेकिन जड़ी चिट थमाना दुकानदार को गशने नहीं उस सजे पर नहीं चाहिए तो जड़े गरीब लोग न से जाने क
सारी हड़िया देसी बंदे को चढ़ाई तो फटिया लाने से मोदी साहब ने आख्या मैं भी वो जमाना देखा ना, और उन्होंने ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर चाहे वो ग्राई है शहरी है सरकारी मुलाजम है और रेहड़ी वाला फड़ी वाला मजदूर है किसान है रोजगार है या बेरोजगार है पुलिस वाला आर्मी वाला सीआरपी वाला या कोई मास्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है कोई है, हर शख्स की फैमिली की 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड एक साल इलाज कराई सकता है, कितनी बड़ी स्कीम है आज तक कुछ नहीं सोचा उन्हें सोचा। 2 साल हो मोदी साहब कोरोना वायरस लॉकडाउन होया कार कार लोगों की मुफ्त राशन पहुंचाया तो साढ़े इतना भी आया कि नहीं आया इंजेक्शन कोरोना आई है उन्हें आख्या बला जी आई है इसी खत्म करना आया इसवाल है और उन्होंने कितनी मेहनत की थी और मुफ्त और मुफ्त इंजेक्शन दो दो उन्हें लवाए तो सभी लवाए कि नहीं लवाए अमेरिका इंग्लैंड चीन जापान जैसे मुल्क ने लोग हर चीज का बंदोबस्त मोदी साहब का और बिना मजबूत मिल्लत कोई फलाने की देना तो फलाने की नहीं देना सारे सारे जिसने मोदी साहब ने नारा आ गया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सारे के लिए चलने मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए उन्होंने पार्लियामेंट की तकरीर की थी तुम याद हो सी उन्हें आख्या जड़े सड़े जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं मैं आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं जो हमारे घरों में बच्चे हैं मुस्लिम परिवारों में मैं उनके एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं ताकि मजहबी तालीम के साथ साथ आज की जो टेक्नोलॉजी है दुनिया चांद सितारों पर पहुंच रही है हमको अपने बच्चों को ये दुनिया भी कंपटीशन में भी लाना है। मजहब एक इंसान को सच्चा इंसान बनाता है उसमें तहजीब सिखाता है अदब सिखाता है इंसानियत सिखाता है और साथ साथ जो मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम है वो इस दुनिया के अंदर आकर हर एक को मेहनत करने करके ऊपर वाले ने तो हाथ पांव आंखें दिमाग टैलेंट सब दिया इसका यूज तो हमने करना है ना तो ये उनकी सोच आज अगर इतना नेशनल हाईवे अच्छे लगे ने एक ग्रां ग्रां सड़क बनी लगी नहीं है एक बिजली पानी ने काम शुरू हुई है और आने वाले दिनों इतना रेल ने प्रोजेक्ट ही सर ये हाईवे भी बन सन ये टनल भी बन सन ये सारे मसले तो साढ़े हल कर और कोई नहीं कर सकना कांग्रेस वाले तो पहले ही डूबे ने नहीं खेड़े अहम दसो कोई और नेशनल वाले अगर चार अंदर बैठे चाह पीने अबे मैं होना था कम से कम ना सब ने कहा चाहिए पिया कुथा कोई पंजी प्रिया अश्विस ओ इली उना को तेरे ही मैडम तो कल रखी सी मैडम मीटिंग बंदा नहीं आया एक ना कुर्सियां की दिया पुठिया ना रैली नहीं कर दे अबे बंदे नहीं असले ना मैं थोड़ा तू कहीं नहीं सुन बोला इस वस्त गल है या एक गल तो पक्की है जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त रैलियां चल रही हैं और आप जानते हैं कि बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाला है और उसके बाद जम्मू कश्मीर की में अंदर असेंबली के इलेक्शन होंगे और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम वो हिंदू है या मुसलमान है सिख है या ईसाई है गुज्जर है बकरवाल है या पहाड़ी कबीले के हमारे भाई बहन हैं सब इस समय मिलजुल कर मोदी साहब के साथ हैं और जिस तरीके से मोदी साहब ने एक मिशन दी लेकर काम कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गांव के शहर के पहाड़ के मैदान के गुजर बकरवाल पहाड़ी कबीले के जम्मू के कश्मीर के सब मिलजुल कर एक होकर इस समय बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम आने वाले इलेक्शन में
बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। पिछले 50 सालों से जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। पहाड़ी कबीले के लोगों ने अपनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां गवा दी और हमेशा मुल्क का तिरंगा झंडा बुलंद किया। जैसे एक मुल्क का हिफाजत करने वाला एक फौजी होता है, ये पहाड़ी कबीले के लोग भी एक मुल्क के वफादार सिपाही हैं। और पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग अपना हक मांग रहे हैं कि हमें अपना हक दिया जाए। और हमें इस बात की खुशी है कि पहली बार 15 अगस्त 2019 को लाल किले से आज़ादी के जश्न के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पहली बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और दुनिया को पता चला कि जम्मू कश्मीर में कोई पहाड़ी कबीले के लोग भी रहते हैं। और पिछले दिनों जब जनाब अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, वो जम्मू में आए, उन्होंने उस रैली में 6 बार पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र किया और ये कहा कि हम पहाड़ी कबीले के बहन भाई जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, यहाँ थन्ना मंडी, मंजाकोट, रजौरी, बुद्दल, कालाकोट, कोटरंका, नौशहरा, सुंदरवानी और कश्मीर में उड़ी, करनाल, टंगधार, रफियाबाद, बारामूला और पहलगाम और शोपियां जैसे एरिए में रहते हैं, पहाड़ी कबीले के लोगों को मोदी सरकार उनका हक देगी। और हमें यकीन है क्योंकि मोदी साहब, अमित शाह साहब, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते। हम चाहते हैं हर एक शख्स को उसका हक मिले। अगर एक कबीले को मिला है तो पहाड़ी कबीले को भी उसका हक मिले। और यकीनन हमें विश्वास है कि पहाड़ी कबीले की जो बहुत ज़रीना मांगे रही, जिसके लिए हमारे लोगों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी, जेलें काटी, हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वो वक्त आ गया है कि ऊपर वाले की रहमत से और मोदी साहब और अमित शाह साहब की मदद से पहाड़ी कबीले के लोगों को भी बहुत जल्द उनका हक मिलने जा रहा है।